बहराइच गुरुद्वारा में माथा टेकने से मन को शांति मिलती है, आईजी अखिल कुमार। जी हां, बहराइच के गुरुद्वारा पहुंचे आईजी अखिल कुमार ने पहले गुरुद्वारा में माथा टेका और उसके बाद समिति के अध्यक्ष सहित वहां मौजूद लोगों से बात कर उनका हाल जाना। एक दिन पहले बहराइच जिले के अधिकारी यहां आए हुए थे। दरअसल बहराइच जिले के दो किसान लखी और लोर हिंसा में मारे गए थे। उसके बाद से जिले के सिख समुदाय के लोगों में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा था। माना यह जा रहा था कि जिले में हर तरह में शांति व्यवस्था बनाए रखने और सिख समुदाय से अच्छे तालमेल बनाने के लिए ये सभी प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आईजी ने भी यहां के गुरुद्वारा में माथा टेका। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ। बहराइच आए हुए हैं, किसानों का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं पुलिस प्रशासन की ओर से, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन दोनों पूरे जिले में सतर्कता रखी हुई है। हमारे डिप्लॉयमेंट हर जगह है। हमारी कोशिश यही है कि कोई भी अराजक तत्व जो एक शांति स्थापित हो गई है और एक विधिक कार्रवाई ठीक ढंग से चल रही है, उसमें कोई गलत तत्व उसका दुरुपयोग ना कर सके और उसका यहाँ पर शांति को भंग ना कर सके। तो इस विषय में सभी लोग सेक्टर स्कीम लागू है, सभी लोगों सभी वर्गों से हम बातचीत भी कर रहे हैं और बहराइच में खास करके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पूरी तरह से शांति स्थापित है। अभी आप गुरुद्वारे भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूँकि बहराइच आया था, मेरा विजिट था, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा अवसर है कि मैं आऊँ और अपने जो हमारे सिख भाई हैं उनके साथ बैठूँ और विचारों को आदान प्रदान हो, और एक अच्छा सेशन हुआ, लोगों के साथ मिले, मुझे बहुत खुशी है। इन लोगों ने बताया कि कल ही जिलाधिकारी भी आए थे और सबने मिलकर एक शांति का पैगाम दिया है पूरे जनपद में, और आज जो शांति है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है हमारे सिख भाइयों ने।